दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं एक बार सुना दे दर्शकों। उसी के कारण ये परिस्थिति पैदा हुई। कांग्रेस में सुख शांति होती, उनका घर एकजुट होता तो शायद ये परिस्थिति पैदा नहीं होती। समस्या के कारण भी वही है और समाधान भी वही है। और अनेकों बार उन्होंने ये कहा है कि जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद बीच बीच में कांग्रेस के बड़े नेताओं के ट्वीट भी आते हैं, बयान भी आते हैं। मुझे लगता है कि इस राजस्थान के पूरे प्रकरण की और चिंता और चर्चा कांग्रेस के केंद्र तक है, और केवल कांग्रेस के राजस्थान के विग्रह का सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि इस घटना से कांग्रेस के नई पीढ़ी के लोगों में एक तरीके की हलचल हुई है। अब आगे क्या होगा ये कांग्रेस के आलाकमान को तय करना, लेकिन जहां तक प्रदेश का प्रश्न है, बहुमत होता तो वो कब के इस तरीके की परेड करा चुके होते, इतने दिन नहीं लगते। अपनी गलती को छुपाने के लिए बीजेपी को आरोपित करना ये पुरानी आदत है, और मैं सलाह दूंगा कि बदल देनी चाहिए। अपने घर को ठीक रखते, अपनी सरकार ठीक चलाते, पार्टी में एकजुटता होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। और इसलिए जब आज उन्होंने ये कहा है, बेशक ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है, राज्यपाल को पत्र दें, विधायकों को राज्यपाल से मिलवाएं, ये सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रक्रिया है, लेकिन राजभवन को घेर लेंगे, जनता घेर लेगी तो जनता का, 8 करोड़ जनता का जिक्र करते हैं तो क्या सारी जनता घेरेगी? क्या ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया? क्या सरकारें अल्पमत में नहीं आती हैं? या सरकारों को मौका नहीं मिलता है? आज नहीं तो कल उनको धैर्य से इंतजार करना चाहिए। क्या वो कानून से ऊपर है? क्या संविधान से ऊपर है? इसलिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी संवैधानिक और कानूनी भूमिका है। मुझे लगता है कि उनको इतना अधीर नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से वो वाणी से और लेखनी से अधीर हुए हैं, कभी अपनी पार्टी के नेता पर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार दोषी है, और वो अपने पत्र के माध्यम से इस तरीके का उल्लेख करते हैं। मैं ये मानता हूं कि इन सारी परिस्थितियों को उनको धैर्य के साथ मुकाबला करना चाहिए, कानूनी दायरे में भी, संवैधानिक दायरे में भी, और जनता की मर्यादा के तौर पर। सर, क्या अब ऐसे में उनको डर सताना कि सचिन पायलट अपने हाथ में सत्ता ला ले? देखिए, डर तो हमने कहा कि पहले दिन से ही, और ये साबित हो गया था राजभवन में जब नारे लगे थे, तब से डरे हुए हैं। उस डर को उन्होंने अनेक रूपों में प्रकट किया है, और अब डर की भी क्या व्याख्या की जाए। वहाँ 16 फिल्म देख रहे हैं और उसमें गब्बर सिंह के बारे में खूब सारी बातों का उल्लेख होता है, तो डर की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। राजनीति में डर का कोई स्थान नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि उनको बड़े दिल से और बहुत संजीदगी के साथ, क्योंकि आश्चर्य होता है कि इतने इस तरीके के परिपक्व नेता। तो सतीश पुनिया सामने आए और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अधीर ना हो मुख्यमंत्री, और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो लगातार